दोस्तों महिला से यह चीज़ लेने में और ज़बरदस्ती मांगने में कभी शर्म ना करें। अगर आप इन चीज़ों को मांगने में शर्म करते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि इन चीज़ों को ना लेने पर आपकी ऐसी की तैसी हो सकती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और नॉलेजबल वीडियोस में। दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है, पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन चीज़ों को मांगने में शर्म करता है तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिलती है। आपको बता दें, आचार्य चाणक्य के बारे में आपने तो सुना ही होगा। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के लिए अपनी चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर किसी इंसान ने अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वह चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिसे लेने पर या हक से मांगने पर कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, खासकर एक पुरुष को तो कभी नहीं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नंबर एक है पत्नी का प्यार। शारीरिक संबंधों के तौर पर किसी भी प्रेमी जोड़े को यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच में सलाह मशवरा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं और रात के समय संबंध के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई गैर पुरुष या महिला अपनी जगह बना सकती है। इसीलिए संबंधों के दौरान शर्म बिल्कुल भी ना करें। बेझिझक होकर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आपका रिश्ता टूटकर बिखर सकता है और आपका पूरा जीवन तबाह बर्बाद हो सकता है। और इसकी जगह अगर आप लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप बहुत जल्दी एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों यदि आप लाखों करोड़ों कोशिशें करने के बाद भी एक अमीर व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप शादीशुदा हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको रोजाना सुबह उठते ही स्नान करने के बाद अपनी अर्धांगिनी अर्थात पत्नी के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान शुभ और मंगलकारी माना गया है। और यदि आप उनके साथ पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं देवी लक्ष्मी बहुत जल्दी पूरी कर देंगी और आप बहुत जल्दी एक पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजबल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।